गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का दिन है, कितने बजे हैं पता नहीं है, कितने बजे है, 9:30। और ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ओ मेरे यहाँ पे भी क्रैक आया, देख क्या मेरा फ़ोन गिर रहा है, पता है नया फ़ोन भी गिरा है, ऐसे पकड़े तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्रैक आया कैमरे के, वो जो आपने ही गिराया था। हमने कितने लोग, आपने बोला तो प्रॉब्लम। कन्नड़ में नहीं बोलती ना ये आप गी पर, ये ना नीना 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 मारी थी ऐसे बोलती है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने दिन से ना कोई व्लॉग बनाया, ना कोई जिम का वीडियो डाला, बट पिछले 3 दिनों से बड़े चॉकलेट से चॉकलेट्स आ रहे हैं मेरे व्लॉग में, मतलब सॉरी मेरे चैनल पे। तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्यों मैं इतने दिन तक वीडियो नहीं बना पाई और क्यों इतने सारे चॉकलेट्स के वीडियोस मैं डाल रही हूँ। फिलहाल तो मैं सैंडविच बना रही हूँ, ये मुझे लग रहा है वो सैंडविच बना रही हूँ, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है, आज मेरे अपॉइंटमेंट से। मैं इत्मीनान से आपको पूरे डिटेल्स में समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि क्या नया कर रही हूँ मैं। वैसे कुछ लोगों को तो पता चल ही गया होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने अपना नया इंस्टाग्राम और एक अकाउंट ओपन किया, तो उस वजह से तो उन लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या मैं बताने वाली हूँ। बट जो सिर्फ मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उन लोगों को मैं आज एक मस्त न्यूज देने वाली हूँ, बट कुछ देर बाद। तो फिर मिलते हैं, लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। चलिए बनाते हैं पहले सैंडविच। न्यूज क्या कर रही है, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा तो फ्रेंड्स, मेरे सैंडविचेस रेडी हो रहे हैं। ये मेरी स्टफिंग है, ये मेरे ब्रेड है, ये मेरा चीज है, ये मैं हूँ, ये पे पार्टी हो रही है। टन 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 आई यू सॉरी पार्टी हो रही है। टन 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 हाँ हाँ आत तीन बा थोड़ा सा साइड में सरकेंगे बेटा जी। निंदा तो करवा यार, तिनंगला सेकंड वाला बनाएंगे, वो भी खेला सब थुई खा ले बहन, वो भी मेरा बहन, हम तुझे देखेंगे बैठ के, हमारा पेट भर लेंगे। ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಎರಡನೇ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಯಾ ಪೆ ಹಮ್ ದೋ ವೆಲ್ಲೆ ಲೋಗ್ ಬೆಟೆ ಏಕ್ ಗೇಮ್ ಖೇಲ್ ರಾ ಹೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಖ್ ಕೆ ಇಸ್ಕೆ ದೇಖೋ ಇಸ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಔರ್ ಯೇ ದೇಖ್ ಯಹಾಂ ಪೆ ಭಿ ತೇಜು ಐಸೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಾ ತೋ ಉಸ್ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಐಸೆ ದಿಖ್ ರಹಾ ಹೈ ವೋ। ये देखिए मेरा फ्रंट कैमरे के ऊपर भी अभी तकलीफ होने लगी, क्योंकि जो ऊपर का कवर है ना उस पर भी क्रैक गया है। मेरे हाथ से इतनी बार फ़ोन गिरता है ना, समझ में नहीं आता। मुझे कोई ऐसा कवर अभी ढूंढना है लोखंड का कि मेरा फ़ोन का कवर, ये देखो अभी वो ऐसे लाइन आ रही है ना, दिख रही है, पता चल गया। तो फ्रेंड्स, मैं और राज मार्केट के लिए निकले थे और ज़ोर से बारिश आ गई, यहाँ पे देखते हैं राज बैठे हुए, तो हमें यहाँ बीच में रुकना पड़ा राज के शॉप में। पिछले 1 घंटे से एक्चुअली हम बैठे, और इतने दिनों तक बारिश नहीं थी, मतलब थी ही नहीं, एक बूंद भी बारिश नहीं थी। आज मुझे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट जाना था मार्केट और आज बारिश आ गई, मतलब मैं सुबह पार्लर भी जाके आई और राज के पास भी एक्चुअली 2 ही घंटे का टाइम था, तो हमने सोचा फटाफट से जाके सामान लेके आ जाते, बट नहीं हो पाया। अभी हम बैठे यहीं पर बैठे, बहुत देर से बैठे, और अभी और भी नहीं रुकी बारिश, तो हमें निकलना पड़ेगा घर के लिए। मार्केट कैंसिल हो सकता है, बट फिर रात को जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बताऊंगी कहाँ क्या कर रहे थे इतने दिन तक, क्यों व्लॉग नहीं बनाया, क्या चल रहा है, चॉकलेट्स के इतने सारे फोटोज क्यों हैं, इसके लिए मार्केट जाना था, बट फिलहाल अभी वो भी पेंडिंग पे। देख रहा थोड़ी तो रुकी कि नहीं बारिश, तुझे क्या लगता है? देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी बारिश रुकी इसलिए फिर निकले, फिर बारिश जोर से आई, फिर रुके। आज क्या काम होता कि नहीं, देखिए वापस आई बारिश।
फोन में नहीं दिख रहा बट है बारिश है, मतलब गाड़ी से निकलेंगे तो भीगी जाएंगे और आज ऑलमोस्ट थोड़े से भीगे इसलिए फिर रुके अभी देखेंगे। ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದು ಸೇಮ್ तो फ्रेंड्स अभी हम बारिश से भीग के सारा सामान लेके फाइनली घर आ गए हैं और यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ वापस पार्लर। लेकिन पार्लर जाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता दी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ सुबह से, क्योंकि क्या है ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आपसे डिटेल में बात करने का या फिर आपको डिटेल में ये बताने का कि हमने क्या नया शुरू किया है। जैसे आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पर तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का नया अकाउंट ओपन किया है चॉकलेट बाई मिथिला एंड मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले अपने इस चैनल पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट ओपन किया है जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगी देख लीजिएगा। मैंने अपना नया चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं अपने बहुत दिन से सोच रही थी मैं और राज कि मुझे कुछ और कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है। थोड़ा जो टाइम बचता था मुझे पार्लर के बाद भी घर के कामों के बाद भी थोड़ा थोड़ा टाइम बचता था कि मुझे और कुछ करना है क्या करना है कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। एंड फाइनली हाय तेजू, अभी तेजू आई है, तो फाइनली राज के दिमाग में आया कि क्यों नहीं तू चॉकलेट्स बनाती, क्योंकि केक्स तो मैं वैसे भी पहले बनाती थी बट प्रोफेशनली जिसको बोलते हैं कि प्रोफेशनली कुछ केक्स एंड चॉकलेट्स वगैरह मैंने कभी नहीं बनाए थे घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए मैं बनाती थी। तो उसके मैंने क्लासेस लिए और फिर उसके बाद मतलब चॉकलेट्स मेकिंग के मैंने क्लासेस लिए और फाइनली मैंने कुछ चॉकलेट्स बनाए। पहले तो मैंने अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, अपने पूरे स्वस्तिक प्लाजा के फैमिली मेम्बर्स में बांटे कि कैसे बने हैं, मतलब इट्स गुड, इट्स बैड और इट्स ओके। तो सबका रिव्यू बेस्ट ही था, सब ने कहा कि सुपर बने और बहुत लोगों को पसंद आए। और जिस दिन मैंने एक्चुअली जस्ट सेलिंग के लिए उस दिन बनाए नहीं थे, जस्ट उस दिन मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाए थे एंड उसी दिन मुझे ऑर्डर्स आए चॉकलेट्स के लिए, तो मैं बहुत खुश हो गई। क्योंकि एक दिन पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्लिक कर पाऊंगी कि नहीं या फिर ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपके ऑर्डर स्टार्ट हो जाते तो आपको कमिटमेंट जो आप डेट कमिट करते हो उसको उसी डेट में आपको डिलीवर करना पड़ता है। एंड फिलहाल तो मैं कर रही हूँ, टाइम एडजस्ट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी ये नया काम हाथ बैठने के लिए टाइम जाता है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग पहले दो दिनों में हमने 100 पीसेस 200 पीसेस बनाने के लिए हमें एक दिन में बहुत तकलीफ हुई, बट अब मैं आसानी से दो घंटे में 80 पीसेस बना रही हूँ। थोड़े से डिज़ाइनर पीसेस हैं एंड फ्लेवर्ड अलग अलग है, लेयर के चॉकलेट्स हैं तो टाइम जाता है। नॉर्मल चॉकलेट्स नहीं बना रही हूँ मैं, फिलिंग वाले, ड्राई फ्रूट्स वाले, जली वाले एंड लेयर्स वाले चॉकलेट्स बना रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। एंड कस्टमाइज चॉकलेट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो इसी रीज़न की वजह से मैं 7-8 डेज कुछ हुए कि मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई, ना कोई वीडियो बना पाई, ना कोई जिम का वीडियो बना पाई। मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि आप जिम जाना छोड़ चुके हो क्या, तो ऐसी बात नहीं है, मैं जिम नहीं छोड़ा। मैंने जिम अगर कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे, तो एक्सरसाइज तो मेरे चल रहे बट क्या हो रहा है अभी कुछ 3-4 दिनों में मैंने नहीं किया है। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताऊंगी कि मैं लास्ट 4-5 डेज से मैंने ना ही कोई एक्सरसाइज किया, ना ही कोई मैं जिम गई, बिकॉज चॉकलेट्स के ऑर्डर्स लगातार आए हैं मुझे और रात के 2-2 बजे तक मैंने और मेरी बेटी ने चॉकलेट्स बनाए हैं,
तो उस वजह से नींद नहीं हो पा रही थी, तो सुबह मैं जिम नहीं जा पा रही थी। तो मैं अभी इस टाइम को एडजस्ट करूँगी, जल्दी ही वापस जिम ज्वाइन करूँगी। अभी एक दो दिनों में मैं वापस जिम ज्वाइन करूँगी, आपको मेरे जिम के वीडियोज़ भी आएंगे। एंड मुझे ये बताते टाइम बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली आप लोगों को कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो काफ़ी अच्छी तरह से अभी फ़िलहाल पटरी पे आ रहा है। मेरे YouTube फैमिली को भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी आपको मेरे वीडियोस ब्लॉग्स रेगुलर आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप तक अपने वीडियोस पहुँचा पाऊँ। कुछ कंप्लेंट्स होंगे तो सॉरी फॉर दैट कि इतने दिन तक वीडियोस नहीं बनाए। तो अभी आपसे मिलती हूँ मैं वापस थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए लगे रहे बने रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स, अभी गुड नाइट बोलने का टाइम हो चुका है, वैसे भी 12 बजने को आ गए। और कल मुझे 100 पीस की ऑर्डर्स था, मुझे बोलने भी नहीं आ रहा, एक बार गला सही कर लेती हूँ। कल 100 पीस का ऑर्डर है मुझे बर्थडे के लिए, तो उसमें से भी 50 पीसेस मेरे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और अभी 50 पीसेस मैं सुबह मॉर्निंग में थोड़ा तेजू के स्कूल जाने के बाद बना दूँगी, तो क्योंकि मुझे वो शाम को डिलीवर करने, तो शाम तक सारे चॉकलेट्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे कल परसों के चॉकलेट्स ऑर्डर्स कंप्लीट करने, तो अभी मैं सोऊंगी फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है एक्चुअली, मैं पूरे 100 के 100 बना के ही सोने वाली थी, बट नहीं अभी नहीं होगा सोने के लिए, अभी मतलब अभी नहीं होगा बनाने के लिए, अब मैं सो जाऊंगी। मुझे बहुत नींद, इवन मेरा गला भी एकदम बैठ गया है। मैं जो बात कर रही हूँ वो आपको पता नहीं सुनाई दे रहा है, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगी थोड़ा। बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब हो गया अचानक से ही, तो क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है, बारिश शुरू हो चुकी है फाइनली, जैसे कि इतने दिन तो थी नहीं बारिश, बट अभी बारिश आ रही है। और आज तो पूरा दिन बारिश थी ही, आपने जो देखा ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कल मिलूंगी किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।